नमस्कार दर्शक बंधु, आज न्यूज अपडेट को स्वागत करुछी मु आद्या। आमे देखौछु आपण मानंकु राज्य तथा देशर पिकनिक खबर। मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सुशासन स्वच्छ भावमूर्ति एवं लोकाभिमुखी योजनारे अनुप्राणित होई कांग्रेसर पूर्वतन पीसीसी सदस्य तथा केन्द्रीय मत्स्यजीवी समवाय समितिर सभापति केदारनाथ जेना, कृष्णप्रसाद ब्लक बीजेपी वरिष्ठ नेता सुदर्शन जेना, कृष्णप्रसाद ब्लक पूर्वतन जिला परिषद सदस्यांक प्रतिनिधि तथा बीजेपी वरिष्ठ नेता जोगी बैरीगंजन, पणसपदा पंचायतर पूर्वतन बीजेपी सभापति रवींद्र कुमार प्रधान, सीआरआर बीजेपी युवनेता तापस प्रधान, अरखकुदा पंचायतर बीजेपी नेता जगन्नाथ बेहरा एवं कैलाश बेहरांक समेत शह शह कर्मी कांग्रेस एवं बीजेपी दलकु प्रत्याख्यान करि आजि राज्य विजु जनता दल साधारण संपादक तथा राज्य योजना बोर्ड उपाध्यक्ष संजय कुमार दासवर्मा, क्रीडा एवं युव व्यापार मंत्री तुषारकांति बेहरांक उपस्थितिरे आजि पुरी हॉलिडे रिसोर्ट होटेलर सम्मेलनी कक्षरे विधिवद्ध भावे विजु जनता दलरे योगदान करिछन्। तेबे आगामी दिनरे ब्रह्मगिरि विजु जनता दलकु तृणमूल स्तररे मजबूत करिबे बोली सेमाने प्रतिश्रुति देछन्ति। एहि कार्यक्रमरे कृष्णप्रसाद ब्लक सभापति लक्ष्मीधर साहू, ब्रह्मगिरि ब्लक सभापति विद्याधर स्वाई, समिति सदस्य रघुनाथ जेना, जिला परिषद सदस्य वंदना प्रधान, सदस्य कैलाश चंद्र परिडा, वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल जेना, कृष्णचंद्र जेना, पूर्णचंद्र गडु एवं रमेश चंद्र पलाई प्रमुख उपस्थित थिले। श्रवण पर्व एक सामिल है जेहेतु विकास सारा राज्य में विजु जनता दल विकास चली ब्रह्मगिरि निर्वाचन मंडल से अनुपात अधिका विकास भी होमें भावचे आम कौन मत कि कम कर सुजोग पाइबा लोक मान गरीब लोक आरंभ करके विभिन्न योजनार सफल रूपायन केमती हो देखा ता सहित चिलिका को निर्भर करके जो कृष्णप्रसाद ब्लक प्राय लक्षाधिक लोक बंचुंट सारा निर्वाचन मंडल केमती चिलिका कथार समस्या समाधान हो पार से कथा भी चेष्टा। आज ब्रह्मगिरि विजु जनता दल एक महत्वपूर्ण दिन, दीर्घ दशंधि दशंधि धरी जो मैंने विरोधी थे कांग्रेस हो बीजेपी हो, आज केदारनाथ जेना जी गोटे समय नेतृत्व नौले एवं आमर भगवानपुर बस्ती आमर पणसपदार आमर सीआरआर सभापति एवं अरकुदार बहु नेतृमंडली आज विजु जनता दल आनुष्ठानिक भाव में योगदान करदान फल कृष्णप्रसाद ब्लक ब्रह्मगिरि ब्लक आज शक्तिशाली एवं मु आशा करुछि माननीय मुख्यमंत्री नवीन बाबू नेतृत्व में ब्रह्मगिरि जो विकासमूलक काम जारी रही फल आकर्षित हो दल में सामिल होती समस्त विजु जनता दल को स्वागत कर। पुरीरो कैमरा पर्सन रंजित को सह सुजीत महापात्रंको रिपोर्ट। विनिंग स्पोर्टिंग आनुकूल्य 19तम ओडिया चलचित्र एवं दूरदर्शन सम्मान आसंता 19 तारीख रे पुरी बेलाभूमि बालुका सज्जारे आयोजन करा जिबो। एथिरे ओडिया चलचित्र एवं दूरदर्शन दुनिया शताधिक कलाकार जोगदेवा संगे संगे ओडिया सिनेमा एवं धारावाहिक जगतर किछि नामीदामी कलाकार विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेशन करिबार कार्यक्रम रहिछि। उक्त महोत्सव में भुवनेश्वर एवं कटक कलाकार मानंकु नेई मॉडर्न डांस फैशन शो एवं संगीत कार्यक्रम करा जिवो। एही महोत्सव टी प्राक्तन संपादक स्वर्गत नवकिशोर प्रधान नाम से उत्सर्गीकृत हेबो। ओडिशार सिनेमा दुनिया प्राय श्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री माने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में निजकु सामिल करने प्रतिश्रुति देछन्ते। उक्त उत्सव को संपूर्ण रंगारंग करने अध्यक्ष श्री अनिरुद्ध राउत सूचना देछन्ते। तेबे एही चलचित्र एवं दूरदर्शन सम्मान उत्सव में 40 गोटी पुरस्कार प्रदान करा जिवो बोली संपादिका संध्यावती प्रधान सूचना प्रदान करिछन्ती। संपूर्ण कार्यक्रम को परिचालना करिबा पई अनुष्ठान अभ्यर्थना कमिटी अध्यक्ष सुभाषिष खुंटिया विभिन्न मान्यगण्य व्यक्ति को निमंत्रण मध्य करिछन्ती।
स्वर्गत नवकिशोर प्रधान स्मृति रे शो टाइम रो सिल्वर जुबली फंक्शन आम 19 तारीख दिन पालन करने को जाऊँ बेलाभूमि ठारे एथेरे आमर कलाकार मानंकु आपणकर चलचित्र एवं दूरदर्शन कलाकार मानंकु 40 गोटी आम पुरस्कृत करिवु सम्मानित करिवु तेणु समस्त सहयोग कामना करुचु। करोना कटकरा माध्यम रे करोना कटकरा को आखि आगे रखी समस्त कार्यक्रम करा जीव। जय जगन्नाथ। तेबे महोत्सवर प्रतिटि अतिथि कलाकार मानंकु सम्मानर सह एहि महोत्सवरे भाग नेबा पई निमंत्रण करिबा संगे संगे उत्सवर समस्त दिगरु सफलता पई अनुष्ठान तरफरु संजीव रथ शर्मा अनुरोध रखिछन्ति। पुरीरु कैमरा पर्सन रंजित को सह सुजित महापात्रंक रिपोर्ट। आजि ओडिशा कुराळ महासंघर राज्य कार्यकारिणी बैठक युथ हस्टेल सम्मिलनी कक्षरे अनुष्ठित होइजायछि। महासंघर राज्य सभापति सरोज कुमार बेहरांक अध्यक्षतारे अनुष्ठित एहि बैठकरे कलाहांडि केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर नुआपड़ा बौद्ध पुरी केन्दुझर खोर्धा नयागढ़ जाजपुर नवरंगपुर कटक आदि जिल्लारु सदस्यमाने जोग देइथिले। एहि बैठकरे कुंभकारमानंक विभिन्न मौलिक समस्या एवं तार समाधान दिगरे विभिन्न प्रस्ताव गृहीत होइथिला। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश गुजरात गोवा हरियाणा भली ओडिशा रे माटी कला बोर्ड गठन पाई एक प्रस्ताव माध्यम रे सरकार निकट रे दाबी करा जाय छे। बैठक रे गृहीत अन्य प्रस्ताव गुड़िक मध्य रे कुंभकार मानंकु मागणारे इलेक्ट्रिकल चक प्रदान सौखीन माटीजात सामग्री निर्माण कर्मशाला निमन्ते सरकारी जमी जोगाण एवं व्यवसाय पाई रिहातीयुक्त ऋण जोगाणर योजना होइछे। ओडिशा कुराळ महासंघर मु आवाहक आमे कार्य ओडिशा कार्य कुराळ महासंघर कार्यकारिणी मीटिंग डाकिछु। उद्देश्य हला जे आमर केतोटा दाबीपत्र सरकार को दिया जाइथला एपर्यंत गोटे दाबी से कार्यकारी करिनांते अधापंत्रिया करी छाड़िछन्ते। सेथिपाई आगामी दिन को आमे किभली भावरे आम ओडिशा सारा जहाँकि आम संख्या 40 लक्ष 50 लक्ष हेबे एते परिवार को सरकार अनदेखा करुथिबारु एवं आमर दाबी गुड़ी को कर्णपात करुनथिबारु आगामी दिन रे आमे प्रस्तुत होउछु सारा ओडिशा रो भुवनेश्वर किंबा पुरी ये दी जगह को सिलेक्ट हबो सेठी आमे गोटे बड़ धरण मीटिंग करिबु एवं दाबीपत्र सरकार को दबु। तेबे बैठक प्रारंभरे महासंघर पुरी जिला उपसभापति महेन्द्र विषोई प्रारंभिक सूचना प्रदान करिथिबा बेले स्वागत भाषण प्रदान करिथिले संगठनर युव सभापति विचित्रानंद बेहरा। महासंघर महासचिव केदारनाथ रणा संपादकीय विवरणी उपस्थापन माध्यमरे कुंभकार मानंकर विभिन्न यथार्थ दाबी पूरण पई सरकारंकु निवेदन करिथिले। अन्यमानंक मध्यरे भास्कर चंद्र बेहरा जयराम साहू गोपाल चंद्र प्रजापति विष्णुचरण बेहरा नीलमणि बेहरा अरुण नायक प्रफुल्ल बेहरा बीरबर रणा रामचंद्र मुदुली चक्रधर साहू ब्रह्मानंद रणा प्रमुख जोग देइथिले। नारायण दास प्रकाश चंद्र विषोई त्रिलोचन विषोई वृंदावन विषोई प्रमुख कार्यक्रम परिचालना करिथिले। पुरीरु कैमेरा पर्सन रंजित को सह सुजित महापात्रंक रिपोर्ट। आजिठारु आरंभ होइछि विश्वम्बर विद्यापीठरे 75तम प्लाटिनम जुबली उत्सव। तेणु आज विद्यापीठर छात्र छात्री एनसीसी एयर विंग्स स्काउट एवं पुरातन छात्र छात्री मानंक द्वारा एक शोभायात्रा विद्यालयरु बाहरी श्रीमंदिर सम्मुखरे पहुंचिथिला। सेठारे नाग नृत्य करा जायथिला एवं जगन्नाथंक निकटरे प्रदीप प्रज्वलन करि मशाल शोभायात्रारे छात्र छात्री माने विद्यालयकु प्रत्यावर्तन करिथिले। स्नेह ममतार बहुछि स्रोत सतेखि निजर मापणत स्नेह ममतार बहुछि स्रोत सतेखि निजर मापणत पिला दुष्ट हेले करे आकट
देखाई दिए से ठिकणा बाट गढ़ी थे जी भविष्य मो विश्वम्बर विद्यापीठ मो पुरीरु कैमेरा पर्सन रंजित को सह सुजीत महापात्र रिपोर्ट। ओडिशार पुरातन सहर ब्रह्मपुर महानगर सहित उक्त सहरर तळिया अंचलकु मिसाइबा एवं अन्यान्य दाबीकु नै ओडिशा डेवलपमेंट फोरम तरफरु ब्रह्मपुर कमिशनरक निकटरे मुख्यमंत्रीक उद्देश्यरे एक दाबीपत्र प्रदान करा जायछे। तेबे सूचना अनुजाई 2008 मसीहा डिसेंबर 29 तारिखरे स्टेट गैजेट नोटिफिकेशनरे दर्शा जायछि जे सहरर 18टी तळिया अंचल बा पंचायतकु सहर सहित मिश्रण करा जाय बृहत ब्रह्मपुर गठन करा जिवो। किंतु मुख्यमंत्री स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक स्तरर उदासीनता मनोभाव जोगु सहररे विकास कार्य अवहेलित होई पड़ी रहिछे। एहासह सहरर ट्राफिक समस्यार समाधान पाई फ्लाईओवर ब्रिज पादचला ब्रिज एवं पादचला रास्ता आदि तयारी करबा निमन्ते आगरु दाबीपत्रे उल्लेख करा जायछे। तेबे उपरोक्त दाबीगुडिक शीघ्र पूरण नहेले फोरमर कार्यकर्ता माने आंदोलनात्मक पदक्षेप ग्रहण करबाकु चेतावनी देछन्ते। एहि कार्यक्रमरे फोरमर उपसभानेत्री बबिता पात्रंक सह सदस्य लक्ष्मी नारायण पाढ़ी भि सोमेश्वर राव मानस रंजन पात्र प्रीतिश पाणिग्राही किरण कुमार पंडा रमेश चंद्र पंडा प्रमुख बहु संख्यारे कार्यकर्ता उपस्थित रही दाबीपत्र प्रदान करिथिले। गंजाम जिल्लारु अशीष कुमार पात्रंक रिपोर्ट। ममिता मेहरंकु न्याय दाबीरे आंदोलन करुथिबा छात्र कांग्रेस कर्मकर्तांकु कांग्रेस भवन भितरे पसि पुलिस आक्रमण करिछि। पुरीर जनैक युवक चित्तरंजन पल्लाईंक हत्याकांडरे परिवार पक्षरु जहांक विरोधरे षडयंत्र अभियोग करा जायछि से बिजु जनता दलर राज्य कार्यालयरे कार्यालय संपादक। जदि ओडिशा पुलिसर दम अछि ताहले पुलिस बिजु जनता दल कार्यालयरे पसि सेही अभियुक्तकु बीजेडी पार्टी अफिसरु घोषाडी आनिबाकु खोला आह्वान प्रदेश कांग्रेस मुखपात्र मनोज महापात्र। रिपोर्ट हस्तगत बारंबार जे राज्यर पुलिस वास्तविक क्षेत्र विजु जनता दल विजु जनता दल सरकार को सुरक्षा कर अपोनेंट जो मैंने अच्छा राजनेता से पक्ष में गुंडागिरी कर प्रत्येक गतिविधि लक्ष्य कर हिसाब से ओडिशा पुलिस काम कर आपखे रखुची जे राज्य गोइंदा विभाग गोटे चिठी लिखी चिठी नंबर 12856/POLSB तेरे लिखिले एडिशनल सुपरिटेंडेंट जे आम जो कांग्रेस भवन जो गंडगोल होता पुलिस कांग्रेस भवन को एंट्री कर तार ऊपर सी रखुचे दे आर कंटेम्प्लेटिंग टू कमिट मिसचीफ बाय मेलिंग अटेम्प्ट फॉर फोर्सफुली एंटरिंग इनसाइड नवीन निवास ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ आईटी सेक्रेटरी रेसिडेंस ऑफ MLA प्रणव प्रकाश दास एंड मिनिस्टर दिव्यशंकर मिश्र in coming days at any cost as their prestige has been hampered। भुवनेश्वर रु विश्वजीत दास को रिपोर्ट। भुवनेश्वरर रबिटकी छक निकटरे अवस्थित प्रसिद्ध श्री राधावल्लभ मठठारे बहु प्रतीक्षित व्यंजन द्वादशी पर्व पालित हो जाएछि। एही अवसररे मठ परिसर थिला चलचंचल। एही उपलक्षे मध्यान धूप अवसररे बहुविध व्यंजन प्रस्तुत होइथिला एवं परे परे महाप्रभु राधावल्लभंक निकटरे भोग नैवेद्य अर्पण करा जाइथिला जहाकी एक दिव्य प्रसाद रूपे रूपांतरित होइथिला। एहापरे मठरे उपस्थित श्रद्धालु माने प्रसाद सेवन करिथिले। एही स्वतंत्र नीति को मठर महंत श्री रामकृष्ण दास महाराज एवं संतोष कुमार दास को प्रत्यक्ष तत्वावधान रे संपन्न होइथिला। मठर वरिष्ठ सेवायत सत्यशिव नंदंक सहित देवदत्त दास हिमांशु शतपथी हिमांशु मिश्र लक्ष्मीधर पुष्पाळक केदारनाथ पुष्पाळक प्रमुख सेवा पूजा करिथिला बेले पद्मचरण पंडा पाचक रूपे सेवा प्रदान करिथिले।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଧୁ ନରହରି ଦାସ, ଜୟରାମ ଦାସ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଭାନୁ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପବିତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ ତରଫରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଏ ପରମ୍ପରା ଅନେକ ଦିନରୁ ଗଢ଼ି ଆସିଛି। ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଲା ପରେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତା ବିତରଣ କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଏକ ଅଲଭ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଏ ପରମ୍ପରା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ ଅନାଦିକାଳରୁ ରହିଆସିଥିବା ଏ ପରମ୍ପରା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ତାହା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ସମର୍ପିତ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବିରତିର। ବିରତି ପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାରି ରହିବ। ଜବ ଜବ ହୋଇ ଧର ମା କେ ଇହାନି ବାଢ଼ଇ ଅସୁର ତମ ଅଭିମାନୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଓ ତବ ତବ ଧରି ପ୍ରଭୁ ବିବିଧ ଶରୀରା ଆରହୁ କୃପା ନିଧି ସଜନ ପୀରା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଯେଉଁ ନାମ ଧରିଲେ ନ ଦଣ୍ଡେ କାଳ ଜମ। ଭାବ ଭକ୍ତିର ଚେତନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଭକ୍ତି ଚେତନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 7:30 କେବଳ ପ୍ରୟାସ ଟେଲିଭିଜନରେ। विश्वास से भरे, स्मार्ट और तेज तरार हो तो कृपया उत्कल बचपन के पास आए। यह आपके बच्चे के लिए दूसरा घर होगा। स्कूल में उत्कृष्ट शिक्षक, घरेलू वातावरण और सभी शिक्षण सहायक उपकरण हैं। स्कूल मस्ती के माध्यम से सीखने में विश्वास करता है। स्कूल में वातानुकूलित क्लासरूम, सीसीटीवी कमरे, बॉल रूम, डॉल हाउस, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, इंडोर और आउटडोर गेम्स, डाइनिंग रूम और एक सेलिब्रेशन कॉर्नर है।
यह पुरी का एकमात्र स्कूल है जिसका ISO प्रमाणन 2001-2015 है। आप अपने बच्चे को उत्कल बचपन परिवार का हिस्सा होने दें और हम आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य का आश्वासन देते हैं। वो जिंदगी भी क्या जिसमें प्यास ना हो, इस खुशियों के सीजन पे बुझाइए अपनी प्यास सिर्फ अमृत के साथ। अमृत वाटर विद आयरन मिनरल्स, प्यास जरूरी है। अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु, सठिक पढ़ंतु, पढ़ंतु अमृत दुनिया। ताजगी का एहसास अपने होठों से रूह तक, अमृत वाटर विद आयरन मिनरल्स, प्यास जरूरी है। अमृत टोन मिल्क कैल्शियम शक्ति सह पैस्चराइज्ड एंड होमोजेनाइज्ड, जहाला एकदम प्योर अमृत टोन मिल्क। मीना जी मावा आपके सफर में आपके साथ, स्वाद और क्वालिटी में दमदार, ₹5 में प्रीमियम टेस्ट मीना जी मावा, अब प्रीमियम पैक में मीना जी प्रीमियम पान मसाला सिर्फ ₹5 में मस्त मजा। मीना जी प्रीमियम पान मसाला अजवाइन के अनगिनत गुणों से भरपूर एक ऐसा पाचक डाइजेस्टिव जो पेट को आराम दे जाए। मीना जी पाचक अजवाइन, पाचक और गैस नाशक। खाने के शौकीन अब कैसी चिंता जब हर खाने के बाद हो मीना जी पाचक आमला। खाओ चटपट हजम झटपट मीना जी पाचक आमला। अदरक में है प्राकृतिक गुणकारी शक्तियाँ जो पाचक के रूप में है वरदान, हेल्दी हर्बल और गुणकारी मीना जी पाचक जिंजर। अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु, सठिक पढ़ंतु, पढ़ंतु अमृत दुनिया। विरति परे आपण मानंकु स्वागत। एबे देखिबा न्यूज अपडेट रो आउ किछि खबर। कटक अबकारी पुलिस को मिली बड़ सफलता, बेआईन भावे ब्राउन सुगार नहीं जाउथबा बेले गिरफ करी अबकारी पुलिस। खबर नेबा परे जना पड़ी जे पिपिली थाना अंतर्गत काकुड़िया रो अविनाश स्वाई बेआईन भावे पिपिली एवं जटणी अंचल रे ब्राउन सुगार बेपार करी आसुथिला। खबर पाई कटक अबकारी विभाग अधिकारी आशीष कुमार सिंह काकुड़िया ग्राम रे चढ़ाउ करी अविनाश को ठारु 325 ग्राम ब्राउन सुगार जबत करथिले, जहार बजार मूल्य 33 लाख टंका हेबो बोली कटक अबकारी विभाग अधिकारी आशीष कुमार सिंह प्रकाश करिसेंति। आमर राज्य अबकारी कमिश्नर श्री आशीष कुमार सिंह सार को निर्देश क्रमे अबकारी स्टेट फ्लाइंग स्क्वाड आम विश्व सूत्र खबर पाई आज पिपिली थाना अंतर्गत काकुड़िया ग्राम से चढ़ऊ करूँ। चढ़ऊ समय जैनिक व्यक्ति अविनाश स्वाई एलियास आम 325 ग्राम ब्राउन सुगर जबत करचुअली आम कमिश्नर सार को पाखे खबर था पूरी जिले विभिन्न अंचल ब्राउन सुगर बिक्री होउछी विभिन्न प्रकार अभियोग आसीथिला। से आमको निर्देश देइथिले जे ताकु तदंत करी केस रुजु करिया पई। सेई भितरे आमे विभिन्न जगह रे आमर खबर नेथिलु आ खबर पाइथिलु जे एई जणे व्यक्ति जणक खोर्धा पटु ब्राउन सुगर आनी कि से एरिया रे बिक्री करछन। विभिन्न लोकंकर फीडबैक भी नेथि कि आमे जानि पारथिलु जे से जो ड्रग्स कारबार रे शामिल अछन्ति। अबकारी पुलिस अविनाश को केस नंबर 21 रे गिरफ करी धारा नराकोट 1985 रे कोर्ट चालान करिसेंति। पुरी रो कैमरा पर्सन रंजित को सह सुजीत महापात्रों को रिपोर्ट। दिव्यांग मानंक उन्नति निमन्ते राज्य सरकार विभिन्न योजना कार्यकारी करिबा सह सेमानंकु विभिन्न सहायता प्रदान करुछन्ति। अनुरूप भावे जिल्लारे मध्य दिव्यांग मानंक कल्याण निमन्ते जिला प्रशासन सरकारंक समस्त योजनाकु फलप्रद भावे कार्यकारी करिबाकु उद्यम जारी रखिछि। राज्य भिन्नक्षम कमिशनर सुलोचना दास पुरी जिला गस्त करी भिन्नक्षम मानंक अधिकार एवं अधिनियम 2016 कार्यकारिता नै समीक्षा करिछन्ति। एनै एक समीक्षा बैठक स्थानीय सद्भावना सभागृह अनुष्ठित होइछे।
एथिरे राज्य भिन्नक्षम कमिशनर श्रीमती दास को सह जिलापाल समर्थ वर्मा, अतिरिक्त जिलापाल प्रदीप कुमार साहू, आंचलिक परिवहन अधिकारी समीर कुमार दलाई, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार नायक, विभागीय अधिकारी, विभिन्न संगठन एवं दिव्यांग व्यक्ति विशेष प्रमुख उपस्थित थिले। तेबे जिल्लारे दिव्यांग मानंक निमन्ते विभिन्न पदक्षेप ग्रहण कराजाउछि। फनी परे सेमानंकु कार्यक्रमरे सामिल कराजाइ सेमानंकु उन्नति निमन्ते पदक्षेप ग्रहण कराजाउथिबा जिल्लापाल कहिथिले। चलित आर्थिक वर्षरे जिल्लारे 81,444 जन दिव्यांगंकु जातीय सामाजिक सहायता पेंशन योजना अधीनरे सहायता प्रदान कराजाइछि। सेहिभळि मधुबाबु पेंशन योजना माध्यमरे 1,20,379 जनंकु सामिल कराजाइछि। अन्यपक्षरे दारिद्र्य सीमारेखा तले थिबा परिवारर मुख्य रोजगारक्षम व्यक्तिंक मृत्यु घटनारे चलित आर्थिक वर्षरे 552 परिवारकु प्रत्येक 20,000 भावे 1,10,40,000 टंका प्रदान कराजाइछि। तेबे विभिन्न ब्लकरे भीमभोई भिन्नक्षम सामर्थ्य शिविर माध्यमरे चलित वर्ष 274 ट्राइसाइकेल, 153 व्हील चेयर एवं 103 सीपी चेयर, 110 आशाबाड़ी एवं 126 श्रवण यंत्र प्रदान करा जाय छे। सेहिभळी क्षुद्र व्यवसाय आरंभ करिबाकु मुख्यमंत्री रिलीफ पांठी माध्यमरे 81 जन दिव्यांगंकु 9,71,000 टंका प्रदान करा जाय छे। एही अवसररे साई संपूर्णा एवं धनवंतरी देव भिन्नक्षम स्वयं सहायक गोष्ठीकु प्रत्येक 50,000 टंका सहायता प्रदान करा जायथिला। पुरीरो कैमरा पर्सन रंजित को सह सुजीत महापात्रंक रिपोर्ट। जिलास्तरीय लोककला संघ, ओडिया भाषा साहित्य एवं संस्कृति विभाग नयागढ़ आनुकूल्यरे लोककला प्रतियोगिता नयागढ़ ऑडिटोरियम हॉल ठारे अनुष्ठित होई जायछि। एही अवसररे नयागढ़ जिला संस्कृति अधिकारी श्रीजुक्त टंकधर भोई जोगदे प्रदीप प्रज्वलन करिबा सह विचारक मंडळीक मध्यरे शरद साहू, गायक पारिजात त्रिनाथ पंडा, पंचानन साहू, विश्वनाथ प्रधान, पूर्णचंद्र शतपथी, जयकृष्ण बारिक प्रतियोगिताकु उद्घाटन करिथिले। एही प्रतियोगितारे 15 दल तथा पाला दासकाठिया संकीर्तन कलाकार भाग नेथिले। समस्तंकु मुख्य स्रोतकु आणिबाकु मुख्यमंत्रीक प्रयास, विभिन्न प्रकार सरकारी योजनार सचेतनता निमन्ते लोककला माध्यमरे प्रचार एवं प्रसार निमन्ते पदक्षेप नेइ कलाकारमानंकु स्वावलम्बी करिबार आवश्यक बोली अतिथिमाने वक्तव्य रखिथिले। गाँवर विकास दिगरे प्रोत्साहन सह ब्लकरे कलाकार संस्कृति संघ गढ़ी जिला तथा राज्यरे कलार विकास एवं कलाकारंक विकास परंपरा रक्षा करिबार माध्यम बोली संघर मुख्य प्रकाश करिथिले। परिशेषरे जिलास्तरीय प्रतियोगितारे प्रथम स्थान अधिकार करिथिले प्रदीप कुमार एवं साथी पाला कलाकार तथा गोकुलानंद जीव पाला अनुष्ठान, सिद्धामूला अनुष्ठान तथा पाला गायक मनोज मिश्र एवं साथी कलाकार माने द्वितीय स्थान अधिकार करिथिले। सेहिपरि तृतीय स्थान अधिकार करिथिले पूर्णचंद्र साहू एवं साथी धुडुकी कलाकार। एहि प्रतियोगी मानंकु जिला संस्कृति अधिकारी टंकधर भोई ट्रॉफी देबा सह उत्तरीय देई सम्मानित करिथिले। आज आम जिलास्तरीय मुख्यमंत्री लोककला ट्रफी प्रतिजोगिता करुच्छे नयागढ़ जिले में। एथपाई आमर जो 8 ब्लक अच्छी सब 8 ब्लक रु दी दीटा टीम भल भल टीम आसीच्छू प्रतिजोगिता होची। जे प्रथम स्थान अधिकार कर आगामी दिन से राज्यस्तरीय प्रतिजोगित भाग नेब। यही प्रोग्रामर मुख्य उद्देश्य है जो आम गाँ गहली जो लोककला गोटे अच्छी से धीरे धीरे आस्ते आस्ते लोप पाई तार केमी पुनरुद्धार हो पार सेतिप्रति सरकार एटा गोटे पदक्षेप नहींचंती। नवरंग धुड़ी नृत्य करी बहुत आनंदित मुख्यमंत्री जो लोककला ट्रफी चली आज कलाकार मानक बहुत उत्साहित करुच्ची तेणु मु मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूची। नयागढ़ निरंजन दास का रिपोर्ट। आजर न्यूज अपडेट आपण मानक केमिति लगला मतामत दबाकु जमा भी भूलिबेनि। आमको यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर माध्यम रे लाइक सब्सक्राइब निश्चय करिबे। तबे आजिरा न्यूज अपडेट को एठी रखुचु। नमस्कार।